अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों कैसे दोस्तों, आज के हमारे वीडियो समरसेबल वाटर पंप के ऊपर, ये डीसी समरसेबल वाटर पंप है। अक्सर दोस्त मुझे ये पूछते कि ये कौन सी जो है बोर में डाला जाता है, तो बोर में मैं दिखा देता हूँ जिस बोर में डाला जाता है, क्योंकि ये जो है ना मोटाई में थोड़ा सा बड़ा है ना, और ये जो डीसी वाटर पंप है ये अक्सर लोग जो ना वो 3 इंच में डालते हैं या 4 इंच, इसमें 3 इंच बोर होते हैं, 4 इंच होते हैं और 5 इंच बोर तो होते हैं जो ना वो 4 इंच के और 5 इंच के और 6 इंच के, लेकिन जब वो केसिंग डालते हैं तो फिर वो जो ना कम हो जाते हैं, वो होते हैं ना 5 इंच के और 4 इंच के, तो उसमें ये मसला करते हैं, क्योंकि अभी ये जब ये डालते हैं ना तो फिर आप लोग देख लेंगे इसमें मसला करते हैं, नीचे डालने में मसला हो जाते हैं ना, ये फंस जाते हैं उसमें पाइप में, जो केसिंग पाइप उसमें फंस जाते हैं, निकालने में मसला करते हैं और डालने में मसला करते हैं, तो इसलिए ना आप लोगों ने जो मैं आपको बाद में बोर दिखा देता हूँ वो 6 इंच का बोर है, लेकिन जब वो केसिंग डाल लेते हैं तो वो 5 इंच का बन जाते हैं ना, तो आप उसमें डाला करें, उसमें ये मसला नहीं करेगा और ठीक जो ना काम निकालने में मसला नहीं करेगा और डालने में मसला नहीं करेगा, क्योंकि जब कभी अगर खुदा सा ये फंस जाते, मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ था जो वो समय मतलब वो जो ना उसमें फंस गया वो उस केसिंग पाइप में, तो मुझे वो पूरी पूरी पाइप काटनी पड़ी थी, तो बहुत मसला हो गया। अभी देखो ना ये जब डालते नहीं देखो ना वो सख्त है, नीचे जा नहीं रहा है ये, क्योंकि जब ये निकाल रहे थे तब भी मसला कर रहे थे, अब जब डाल रहे थे तब भी मसला कर रहे थे, लेकिन जोर लगा रहे, तो इसलिए ना जो ना आप जब डालो, क्योंकि ये बोर जो है छोटा है, तो ये बोर जो हुआ था ना ये इसके लिए नहीं हुआ था, सबमर्सिबल के लिए नहीं हुआ था, ये वो जो होते हैं ना क्या कहते हैं डीजल डीजल इंजन के साथ जो पंप लगा होता है उसके साथ, उसके लिए किया हुआ था, तो क्योंकि पुराने बोर थे तो अब तो वो डीजल कोई इंजन कोई चलाते नहीं है, तो सबमर्सिबल डाल देते, डीसी सबमर्सिबल डाल देते, तो वो दोष ये लगा लेते क्या कहते हैं सोलर पैनल लगाते हैं तो उसके ऊपर चलाते हैं, देखो कितना जोर लगा रहे हैं, तो ये पुराना बोर है तो इसमें वो डाल रहे हैं, तो अभी क्योंकि 2 बार मसले इसने किए, मैंने उसको कहा था अगर बार बार आप निकालोगे तो ये मसला करेगा, क्योंकि अभी देखो ना 3 केबले जा रहे, 2 केबले जा रहे, एक पाइप है और 2 केबले, एक केबल जो है ना वो करंट के लिए होते हैं, दूसरा जो है ना वो मोटर को निकालने के लिए जो ना काम आ जाते हैं, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर भी आपको दिखा देता हूँ, ये मोटर बड़ी है लेकिन जो ना इसका प्रेशर जो है ना 1.25 इंच की है, 25 mm है जी, 25 mm इसका प्रेशर है, थोड़ा सा मैं आपको प्रेशर दिखाता हूँ, वो जो सोलर पैनल है वो भी आपको दिखा देता हूँ, और बाद में आपको बोर दिखा दूँ जिस बोर में आपने डालना होता है, ये देखना ये डीसी सबमर्सिबल वाटर पंप है और ये डायरेक्ट चलते हैं उस पर सोलर पे, तो इसका मैंने पूछा था, ये मैंने इसकी पहली वीडियो अपलोड की थी मुकम्मल, तो उस टाइम ये बता रहा था कि 13 के 14 हज़ार का ये बता रहा था कि मैंने लिए हुआ है, लेकिन वो काफ़ी पहले बता रहा था, ठीक है ना, प्रेशर अच्छा है, तो ये जो ना ये जो डीसी सबमर्सिबल पंप है ना ये उसके ये इंपेलर वाला है, ठीक है ना, ये जो परसों मैंने अपलोड की ना स्क्रू वाला वो नहीं है, स्क्रू नहीं है, ये एम्पेलर है, तो एम्पेलर में इसमें इसमें एक और फायदा है, एम्पेलर का अगर खुदा सा आपके पास एसी वाला पंप खराब हो जाता है ना, और ये भी खराब हो जाता है, लेकिन इनकी जो होते हैं ना ऊपर पंप वो एसी को लग जाते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन उस की दुकान पर देखा वो था डीसी का जो पंप था वो एसी को लगा हुआ था, और मैंने साथ से पूछा था, मैंने कहा ये क्यों कह रहा है, ये इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये आपके जो ना पैसे बच जाते हैं अगर खराब ना ठीक ना हो तो दोबारा, ये 2 सोलर लगी हुई, ठीक है ना, ये 3-3 सौ वाट की 2 सोलर लगी हुई है, अभी इसके बाद मैं आपको पंप वो दिखा देता हूँ बोर, इस बोर की मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, काफ़ी अच्छी चल रही है और काफ़ी अच्छा जो ना वीडियो है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं जो ना आई के बटन के ऊपर जो ना वीडियो दे देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो मुकम्मल बोर की मैंने वीडियो दी हुई है, ये बोर से लेके ना वो केसिंग डालने तक और मोटर डालने तक वीडियो मैंने दी हुई है, ये जो बोर है अभी आप ये वाला ये ऐसे जो ना 6 इंच का बोर हो, इसमें जब ये केसिंग डाल देते हैं फिर ये 5 इंच का जो ना बन जाता है बोर, तो ये बोर इस बोर में आप डाला करें तो फिर मसले नहीं करेगा, अगर आप छोटे बोर में डालोगे ना तो, क्योंकि गर्मी सर्दी या वैसे भी जो ना वो होते हैं ना केसिंग पैप, तो कभी कभी जो ना टेढ़े हो जाते हैं तो फिर निकालने में मसला हो जाते हैं, तो फिर वो ये होते ना कि या तो आपको जो है पाइप काटनी पड़ती या तो जो ना फिर मोटर छोड़ देनी पड़ती, तो इसे बेहतर है अगर आपने जो है डालना ही है तो ये बड़े बोर में डाला गया, वो एक तो छोटा मैंने जो है छोटे वाटर पंप की वीडियो बनाई थी ना, तो वो तो आप लोग डाल सकते हो उसका तो मसला कोई नहीं, लेकिन जो बड़े वाले हैं ना ये आप इसमें डाल सकते हो, 6 इंच जो बोर है इसमें डाल सकते हो, जो 6 इंच बोर होते हैं लेकिन केसिंग आप जब डाल देते हो तो फिर 5 इंच का बन जाते हैं, अभी मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, आज भी मैं गया हुआ था लेकिन वो तकरीबन 250 फीट तक चले गए लेकिन पानी अभी तक नहीं निकला है, वो है 1 इंच 1 फुट का बोर, 12 इंच का बड़े वाला बोर, तो वहाँ पे पत्थर भी काफ़ी सारे आए थे, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिस दिन मैं इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल करूंगा आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे बहुत पत्थर थे, ये तो इलाका सही है ये तो रेत का इलाका है लेकिन वहाँ पे बिल्कुल सारे पत्थर थे, तो उसमें मसला कर जाते वो, इसलिए जो है उसके ऊपर काफी दिन लगे और मैं तो समझ रहा था कि उस पर बहुत जल्दी हो जाते हैं, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे हर नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।